खबर हरिद्वार से है, जहां एसएसपी हरिद्वार ने लूट का खुलासा किया। जानकारी के अनुसार बहादराबाद क्षेत्र में एक व्यापारी से 50,000 सहित सामान की लूट हुई थी। वहीं सीसीटीवी कैमरे की मदद से इस घटना का खुलासा किया गया। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास 44,000 नगद, कार, तमंचे, कारतूस बरामद किए गए हैं। हरिद्वार से राम गोपाल की रिपोर्ट। ये 10:50 की रात्रि को बहादराबाद थाना क्षेत्र में एक व्यापारी से करीब 50,000 रुपये और उसका मोबाइल और थैला वगैरह छीन लिया गया था। और प्रारंभिक जानकारी में ये आया था कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी इसमें इन्वॉल्व थी, इसमें 4 लोग शामिल थे। क्योंकि ये ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये इससे कहीं ना कहीं जुड़े हुए लोग हैं, तो उस हिसाब से पुलिस ने अपनी पता रसी सुराग रखी और सीसीटीवी वगैरह के एनालिसिस से इस केस को वर्कआउट किया है। इसमें जो गाड़ी है वो बरामद हो चुकी है, 4 व्यक्ति इसमें गिरफ्तार।